ये भाई साहब ने तो हाथ में से झपट कर ले लिया। अमरूद जो ज़्यादा पक गया था वो टिश्यू पेपर में डाल के हम लोग जा रहे थे डस्टबिन में डालने, लेकिन हाथ में से झपट कर ले लिया और मज़े ले रहा है। देखिए वो भी कहाँ, क्यू नंबर 4 बादामी में। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बादामी, ए प्लेस इन कर्नाटका, चालुक्य डायनेस्टी हैज रूल्ड हियर इन आई थिंक 6th to 8th century। दिस इज आवर होम स्टे कृष्णा विला इन द बादामी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल विद जनक। आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि हम लोग 6:30 बजे बादामी पहुंच गए थे नॉर्थ कर्नाटका में, और रेस्ट करके आज हमारा प्लान है, इस एपिसोड में हम दिखाएंगे बादामी के केव्स टेंपल, भूतनाथ टेंपल, मल्लिकार्जुन टेंपल और अगस्त्य लेक। तो फिर चलते, लेकिन पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट गुड मॉर्निंग। आप ये टी रहेगा मैम, आपका क्या नाम है? सदानंद। सदानंद कहाँ से आप? यूपी आए। अरे वेरी गुड, थैंक यू। कृष्णा विला इज गुड होम स्टे, नाइस रूम, बाथरूम थोड़ा और अच्छा हो सकता है, बाकी तो गुड, ऑल गुड। चलिए टिकट ले लेते हैं, कैमरा का भी टिकट भी लेनी है गोप्रो की। सुविधा के लिए गाइड कर लिए हैं ₹900 जो हमें चारों केव्स दिखाएंगे 2-3 घंटे में। सर, इसको हम बादामी बोलते हैं, क्यों बोले तो आपके चारों तरफ जो पहाड़ नजर आता है ना, उस पहाड़ का रंग जो है बादाम जैसा, इसलिए इसको हम इसको बादामी बोलते हैं। लेकिन इस गांव को बादामी कहने से पहले इसका एक पुराना नाम था वातापी या वातापीपुरा बोल के। यहाँ टोटली 4 केव टेम्पल हैं। पहला वाला शिवा का है, दूसरे 2 विष्णु भगवान के हैं और चौथा वाला जैन टेम्पल है, जिसको चालुक्य डायनेस्टी में बनाया गया था 540 से 757 के बीच में। इट इज़ फेमस फॉर इट रॉक कट मॉन्यूमेंट। आपके सामने जो मूर्ति नजर आता है, इस मूर्ति का नाम है नटराज बोल के, यानी यहाँ पे शिवजी नाट्य कर रहे हैं। आप जब भी जहाँ पे भी नटराज को देखे तो नटराज को कम से कम 4 हाथ नहीं तो 6 हाथ, ज़्यादा बोले तो 8 नहीं तो 10 तक रहता है। लेकिन पहली बार जो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे बादामी के नटराज को, टोटली 18 हाथ है। सो दिस इज केव नंबर 1 शिवा टेम्पल वी आर विजिटिंग। ये बाहर से ऐसा दिखता है, देखिए। एक बात याद दिलाता हूँ, आप जो चले यहाँ नीचे जो तीसरे सीढ़ी से,
अंदर रहने वाला शिवलिंग हाँ। पूरा एक ही पत्थर है। ओके। आपके सामने जो मूर्ति नजर आता है, इस मूर्ति का नाम है हरिहरा बोल के। हरिहरा, हरि बोले तो विष्णु भगवान, हरा बोले तो शिव भगवान। अच्छा। आधा भाग में विष्णु भगवान है, आधा भाग में शंकर भगवान है। ये विष्णु का मंदिर। हाँ। सर यहाँ बीच में खड़ा होके एक व्यू देखिए, दो पत्थर के बीच में तीन मंदिर नजर आता है आपको। वाव। नीचे एक मंदिर है, बीच में पत्थर का मंडप है नीचे। हाँ। लेकिन ऊपर का मंदिर और नीचे का मंदिर का शिखर देखिए, एक ही स्केल पे, एक ही लाइन पे आ नजर आता है। हाँ, सही एकदम। दैट इज अपर शिवालय एंड लोअर शिवालय, वहाँ म्यूजियम भी है, वो शायद हम शाम को देखेंगे या कल देखेंगे। बादामी को पल्लव ने बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया था टू एवेंज देयर डिफीट। बादामी वॉज ऑल्सो इन द पजेशन ऑफ द विजयनगर किंग। ये टेम्पल में बेहतरीन कला कारीगरी के नमूने हैं। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग, वंडरफुल। क्योंकि ये बनाया गया था 6th और 8th सेंचुरी के बीच में। इसको महाविष्णु गुफा बोलते हैं। चारों गुफा एक ही साथ में नहीं हुआ है, पहले गुफा चौथे गुफा दोनों साथ में बनता है, बाद में दूसरे गुफा, तीसरे गुफा सबसे आखिरी में, इसलिए इसको फाइनल स्टेज ऑफ चालुक्य केव आर्किटेक्चर बोलते हैं। चारों गुफा बनाने के लिए 28 साल, उसमें से खाली 12 साल इसी एक के लिए लिया है। अच्छा। बाकी के 16 साल में तो तीनों गुफा बन चुके थे, लेकिन खाली इसी एक के लिए 12 साल लिया है। आपकी जानकारी के लिए ये जगह की विजिट की है हमने 21st August 2023। वेदर वॉज गुड एंड कूल, लेकिन दोपहर को थोड़ी गर्मी थी। आपको पूछते हैं कौन सा है? ये
ये अगस्त्य लेक है। उसको क्यों बोलते हैं अगस्त्य लेक? अगस्त्य लेक यहाँ पे अगस्त्य महर्षि आए थे यहाँ पे, उसके तपस्या की उसके बोल के उसके नाम से इसको अगस्त्य लेक बोल के बोलते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से जब भी हम घर बनाए तो मंदिर बनाए तो पानी का आवश्यकता जरूरत देता है। बिल्कुल नहीं क्यों बोले तो हमेशा हम मंदिर के अंदर जाना हो तो नहा के जाते हैं, नहीं हाथ मुंह धो के जाते हैं, नहीं तो पूजा के लिए तो पानी चाहिए। इसलिए भारत देश में रहने वाला कोई भी ऐतिहासिक स्मारक देखे सारे नदी के किनारे बनाया है, लेकिन नदी तो 12 किलोमीटर दूर में है, इसलिए आर्टिफिशियल लेक को बनाया है। नीचे कोई पानी का बुग्गा वगैरह कुछ नहीं है। बादामी में आधा घंटा नहीं तो एक घंटा बारिश हुआ तो सामने के पहाड़ से पानी गिरता है, वाटरफॉल आता है। अभी नहीं है ना? नहीं, आधा घंटा बारिश हुआ तो आता है। अच्छा। वही पानी यहाँ पे जमा होता है। अच्छा। इसका गहरा जो है 30 फीट है। अच्छा। 12 महीना पानी ऐसा ही रहता है, धूप में तो 4-5 फीट चला जाता है, बाकी के समय में तो इतना रहता ही है। और बाद में वहाँ पे जो तालाब के ऊपर जो मंदिर नजर आता है उसको बोलते हैं भूतनाथ का मंदिर। केव टेम्पल नंबर 4 जैन टेम्पल। चारों के उस टेम्पल हमने विजिट कर लिए, वी आर जस्ट रिलैक्सिंग। अगस्त्य लेक को देखने बैठ गए, काफ़ी मनोहर दृश्य है और सुहाना, तो वी आर जस्ट एन्जॉइंग द व्यू ऑफ द लेक। लेकिन यहाँ ये लोग की बहुत परेशानी है, बैग को लेके भी भाग जाते हैं, तो थोड़ी देर बैठे फिर हम चल दिए। मेरी बैग के साइड में लगाई गई पानी की बोतल पर ये भाई साहब की नज़र है। Tour of Badami cave is almost completed. Now I'm going towards down and maybe going towards Bhutnath temple and Agatsya lake. Going towards Agatsya lake and Bhutnath temple. आपकी जानकारी के लिए बादामी हुबली से 3 घंटे भी ड्राइव पे है, मडगांव से 7 घंटे की ड्राइव पे है, और अगर आप बेंगलोर से आते हैं तो टोटली 9-10 घंटे लग जाएंगे। लेकिन आप हुबली चले आइए ट्रेन में और वहाँ से चले जाइए बादामी। भूतनाथ टेम्पल और मल्लिकार्जुन टेम्पल यहाँ से रास्ता है, लेकिन थोड़ा टफ है और बड़े बड़े स्टेप है, तो दूसरी जगह से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, क्योंकि थोड़ा गर्मी 1 बज गया है, गर्मी खूब ज़्यादा होने लगी है। तो ये साइड से व्यू लेके हम चलेंगे दूसरी साइड से, यहाँ खाली व्यू देख रहे हैं, बढ़िया सा व्यू है। ऑटो में इसीलिए जा रहे हैं कि गर्मी है और कार हमारी वहाँ तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि रास्ता बहुत बीच में नैरो था। मल्लिकार्जुन टेम्पल
लंच को ट्रेडिशनल लंच कहीं लेना है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ हमें बड़ा सुकून का एहसास हुआ। और ये जो कला कारीगरी आप देख रहे हैं, वो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता और मैं बयां नहीं कर सकता। ऐसी अद्भुत कला कारीगरी का नमूने है यहाँ। वेदर इज गुड, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यहाँ हम 2-3 घंटे बैठ जाए तो भी समय का पता नहीं चले। ऐसी ये जगह है जो हमें सुकून देती है। चालुक्य डायनेस्टी का अद्भुत कलाकारीगरी का नजारा। लिंगायत खानावली जो नॉर्थ कर्नाटका में ट्रेडिशनल फूड है, वो वहाँ कोई रेस्टोरेंट में बस स्टैंड के पास बादामी में लंच लेंगे और बाद में चलेंगे आईहोले और पट्टदकल।
पट्टे दक्कल को हम दूसरे एपिसोड में नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं लंच के लिए। हमें अपर शिवालय और लोअर शिवालय और म्यूजियम भी देखना है, लेकिन अभी गर्मी ज़्यादा है तो शायद वो कल करेंगे, क्योंकि हमें उसके लिए 1.5-2 घंटे की चढ़ाई या स्टेप्स भी चढ़ने हैं। सो दिस इज वीर भद्रेश्वर लिंगायत थाना, यथा शुद्ध शाकाहारी जीवन मिले नियर बस स्टैंड। जगह हमें गाइड ने रिकमेंड किया है ट्रेडिशनल फूड खाने के लिए, एम्बियंस पे मत जाइए, लेकिन क्लीनलीनेस और खाना सिंपल और पौष्टिक है। फैन है ना, तो इस जगह ये जगह फेमस है, ये लिंगायत खाना वाली। तो हम यहाँ भोजन लेते हैं और बाद में आई होले और पट्टे दकल नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज, टाटा। क्या क्या थोड़ा समझा देना, ये क्या है? एक ड्रमस्टिक। बुलाओ बुलाओ। तो वेजिटेरियन ट्रेडिशनल थाली और हाँ ठीक है। सलाद, ये क्या है? अचार, सलाद, चटनी, सिंगा चटनी और ये बाजू में ये सिंग चटनी, ये सिंगा चटनी और ये एक ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी, ये वेजिटेबल्स, ये आलू, आलू सब्जी मिक्स हो गया, ये एक चोली इधर, ये नाम खाली बोलो, सब्जी चढ़ा के बोलते हैं चढ़ा का, चढ़ा का ही, और ये ड्रम स्टिक्स, ड्रम स्टिक्स, काबुली चना, काबुली चना कौन सा, ये वाला, ओके, आलू चना और आलू मिक्स है, ओके, और ग्रीन सलाद, चटनी।